बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स, जिसमें मैं आपको रोज सुनाता हूँ याद शहर नाम के काल्पनिक इमेजिनरी शहर की एक कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे कहीं बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है छह फेरे पार्ट टू। नम्रता याद है आपको, वही शुक्ला अंकल की बेटी, डिबेटिंग की चैंपियन, मेरी पड़ोसन जो दिवाली में पटाखे जलाने में जरा भी नहीं घबराती थी, वही नम्रता जिसे बिना जताए मैंने प्यार किया और जो दिवाली के दो दिन बाद शादी करके याद शहर छोड़ के जा रही थी, वही नम्रता जिसने मेरे साथ अपने घर में सातवां फेरा लिया था। मैं फिर उसी नम्रता के शहर, अपने शहर याद शहर में था। माँ ने खूब खातिर की, घी में सने पराठे, चीनी घुली लस्सी, ढेरों मिठाइयाँ। माँ ने तो जैसे मुझे मोटा करने के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था। दुनिया भर की बातें हो रही थी, माँ पापा महीनों की खबर झट से सुन लेना चाहते थे, और क्यों ना हो, मैं उनका नॉन रेजिडेंट बेटा जो बन गया था। बस एक बात थी जिसे अब तक कोई नहीं कर रहा था, जो मैं जानना चाह रहा था, और नहीं भी, नम्रता के बारे में, उसकी शादी के बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में। कैसी होगी वो, मुझे याद करती होगी वो, मैंने आखिरकार माँ से पूछ ही लिया, नम्रता कैसी है। माँ ने कहा, खाना अभी खाओगे कि बाद में। ये चुप्पी बड़ी अजीब थी, वही नम्रता जिसके बारे में बात करते माँ थकती नहीं थी, उसके बारे में आज बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसा क्या हो गया था। अब मेरे लिए वो याद शहर जिसमें मैं बड़ा हुआ, जहां गलियों में क्रिकेट खेला और गुलेल से शीशे तोड़े, जहां शाम को चाट वाले के ठेले का इंतजार किया, जहां आंगन में पढ़ाई की, लड़ाई की, वो याद शहर तकलीफ का शहर बन के रह गया था। बिछड़ के, मिल के, फिर बिछड़ने का शहर, प्यार छुपाने, प्यार जताने, और फिर भी कुछ न कह पाने का शहर। मैंने कहा, मैं नम्रता के घर जा रहा हूँ। कमरे में चुप्पी छा गई। मम्मी ने कहा, कहाँ जाओगे बेटा, पता नहीं वो लोग होंगे भी कि नहीं। मैं उन्हें अनसुनी करता हुआ नम्रता के दरवाजे पहुंच गया। शुक्ला अंकल ने दरवाजा खोला और अगले पल में क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने चिल्ला के मुझसे कहा, निकल जाओ यहां से, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। निकल जाओ घर से, शुक्ला अंकल मुझे घर से निकल जाने को कह रहे थे। वही शुक्ला अंकल जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे, मेरे साथ कैरम खेलते थे और ट्रिग्नोमेट्री के कठिन सवाल सॉल्व करना सिखाते थे, वही शुक्ला अंकल मुझे घर से निकल जाने के लिए कह रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो इतने गुस्से में थे कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। सहारा लेके दरवाजे के पास एक कुर्सी पे बैठ गए। मैं आगे बढ़ा, अपना हाथ उनके कंधे पे रखा। मैंने कहा, अंकल आप ठीक हैं। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कहा, क्या अंकल। बोले, यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं घबरा गया, उन्हें यह सब कैसे पता था। शुक्ला अंकल ने ऐसे देखा मुझे कि जैसे बरसों की तकलीफ उसे एक नजर में समट आई हो। बोले, तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि तुम्हारे वापस जाने के एक दिन बाद, अपनी शादी के एक दिन पहले, मेरी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया। बस यूं ही, एक सेकंड में, जैसे जैसे किसी का मूड बदल जाए कि चाय नहीं पीनी, जैसे कोई बोल दे कि नहीं मुझे बाजार नहीं जाना, बस एक सेकंड में मुझे मेरी बेटी ने मुझे बाजार में लाके खड़ा कर दिया। क्या क्या सपने नहीं देखे थे हमने, सोचा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ताकि किसी चीज की कमी ना रह जाए। फिक्स डिपॉजिट तोड़े थे, पीएफ के अगेंस्ट लोन लिया था, उसकी माँ ने अपनी शादी के गहने तोड़वा के अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए थे, उसी बेटी ने जिसने एक मिनट में कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती।
क्योंकि वो एक झूठ नहीं जी सकती, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम उससे। मैं धक से सोफे पे बैठ गया। मेरे कारण नम्रता ने अपनी शादी तोड़ दी थी। इतना खुदगर्ज हो गया था मैं। मैंने कहा, अंकल तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? यही पूछना चाहते हो ना? क्योंकि मैंने उसे अपने सर की कसम दी थी और कहा था कि अगर हम में से कोई भी उस आदमी से मिलेगा जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। वो घर छोड़ के चली गई। मेरी वो बच्ची जो कभी मुझे पूछे बिना बाजार एक दुपट्टा तक खरीदने नहीं जाती थी, उसको तुमने इतनी हिम्मत दे दी कि वो घर ही छोड़ के चली गई। 3 महीने में एक बार चिट्ठी भेज देती है कि जिंदा है। ये नहीं जानती कि उसके माँ बाप कब का मर चुके हैं। खेल खेल में हम दिल लगा तो लेते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि इस मुल्क में दिल का खेल सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होता है। कितनी जिंदगियां जुड़ी रहती हैं इन 2 जिंदगियों से। कॉलेज की कैंटीन में किसी रिश्तेदार की शादी में मिले लड़का लड़की अब कितने चाचाओं मामाओं भाभियों को एक साथ जोड़ देते हैं, और जब दिल टूटते हैं तो ये सारे तार उधड़ते चले जाते हैं। नम्रता से प्यार किया था, उससे रिश्ता नहीं बना पाया था, ये मेरी निजी तकलीफ थी। लेकिन वो इस प्यार के कारण इतना बड़ा कदम उठा सकती थी और उसका उसके परिवार पे इतना गहरा असर पड़ सकता था, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं शर्मिंदगी के एक दलदल में घुसा जा रहा था। कितनी तकलीफ दे दी थी मैंने इस परिवार को। शुक्ला अंकल बैठे रहे वहीं दरवाजे के पास, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही अपने दुश्मन को अकेला पाके मारने चला हो, लेकिन फिर निढाल अकेला महसूस करके उसी दुश्मन को अपनी तकलीफ का किस्सा सुनाने लगा हो जिसने वो तकलीफ दी थी। जमीन को देखते हुए बोले, बता देते तुम लोग, खुशी खुशी तुम्हारी शादी कर देता। तुम्हारे पिता और मैं 30 साल के दोस्त हैं। इस रिश्ते से अच्छा कौन सा रिश्ता होता? अब वो मुझे देखते हैं, मिलते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं, बस इस बात के सिवा। और वही क्यों, सारा मोहल्ला गुपचुप अपने घरों में अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के बस यही बात करता है, मेरी खिल्ली उड़ाता है, मुझे बेचारा कहता है। पर कोई ये नहीं पूछता मैं कैसा हूं। जैसे आप किसी से मिल रहे हो जिसके सीने पे बड़ा गहरा खून से सना घाव हो और आप उससे पूछें, आज गर्मी बहुत है ना? मजाक बना के रख दिया यार तुम लोगों ने मेरा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और कहा, अंकल मैं माफी चाहता हूं, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नम्रता ऐसी बेवकूफी करेगी। मैं तो सोच रहा था उसकी शादी हो गई होगी, वो अपने पति के साथ होगी, खुश होगी। उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहा मैंने। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं अंकल, दिखाइए जरा नम्रता की चिट्ठियां, किस शहर में रहती है वो। चलिए मैं और आप उसको ढूंढ के लाएंगे। मैं इस घर की हंसी फिर वापस लाऊंगा। मैं और शुक्ला अंकल स्टेशन पे थे। मैं उनके और अपने लिए कुल्हड़ में चाय लाया, फिर जाके 2 स्पोर्ट्स की मैगजीन्स। नम्रता ने बताया था मुझे कि उसके पापा क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, जरूर सरप्राइज हुए होंगे मेरा ऐसे करने पे, लेकिन दिखाया नहीं। वो अब भी मुझसे थोड़ा उखड़े उखड़े थे, जैसे अपनी खुशियों के कातिल के साथ ही अपनी खुशियां ढूंढने जा रहे हों। मेरे साथ चलने के लिए मान गए थे, यही गनीमत थी। शायद इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटे बाद हम अपने 8 घंटे के सफर पर निकल चुके थे। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, शुक्ला अंकल ऊँग रहे थे। जिंदगी में पहली बार भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था कि वो मिल जाए। ट्रेन हवा को चीरती हुई आगे चली जा रही थी और मैं यादों में तैरता हुआ पीछे। कितनी मुश्किलों के बाद निकल पाए थे हम उस सफर पे। शुक्ला अंकल के गुस्से ने उन्हें आज तक अपनी बेटी से कोई भी नाता नहीं रखने दिया था। 1.5 घंटे मैंने उन्हें समझाया था उस दिन, और फिर 3 घंटे अपने घर वालों को समझाया था।
उनको तो कुछ पता ही नहीं था। माँ बहुत रोईं, बोली, बेटा नम्रता से अच्छी बहू कहाँ मिलती इस घर को, तूने एक बार कह के तो देखा होता। एक बार कह के तो देखा होता, यही कहा था नम्रता ने मुझसे। गलती मेरी थी, मैं भूल गया था कि लम्हा लम्हा जोड़ के बनती है जिंदगी, और इन लम्हों की कड़ी में अगर बस एक लम्हा ना पिरोया जाए तो सारे लम्हे बिखर जाते हैं। नम्रता से प्यार करके भी प्यार ना जताना शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वही माँ जो नम्रता को अपना ना बनाने पे अफसोस जता रही थी, वो ये भी कह रही थी कि बहुत देर हो चुकी है। जिसकी शादी टूट गई हो उसको अक्सर एक अलग निगाह से देखते हैं हम लोग, और जिसने अपनी शादी खुद तोड़ दी हो, घर छोड़ के चली गई हो, उसका चरित्र तो वो काली दीवार समझ लिया जाता है जिसपे लांछन की चौक से कुछ भी लिखा जा सकता है। गलती शायद मेरी ही थी। कुल्हड़ से चाय की एक चुस्की लेते हुए शुक्ला अंकल बोले, मैंने ही उसे इतना आजाद ख्याल बना दिया था। सच था ये, नम्रता जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। दिल की इतनी साफ, अपने दिल की बात मानने वाली, और उसी आजाद ख्याल लड़की को ढूंढने हम आज जा रहे थे, शुक्ला अंकल अपनी बेटी को और मैं अपनी पत्नी को। आठ घंटे बाद हम दूर उस शहर में उतरे जहां से नम्रता अपने पापा को चिट्ठियां भेजा करती थी। हमें नहीं पता था वो कहां है, बस इतना पता था कि वो किसी अखबार में काम करती है। मैंने रेलवे स्टेशन पे सारे अखबार खरीद लिए। अपनी अपनी अटैचियां बगल में रख के हम देर तक सारे पन्ने तलाशते रहे, और करीब 3 मिनट बाद नम्रता एक बार फिर मेरे सामने थी, अखबार के 9वें पन्ने से झांकती हुई। एग्नी आर्ट कॉलम लिखती थी वो, लोगों की मुश्किलें दूर करती थी। हम भी एक मुश्किल लेके आए थे, उम्मीद थी उसे भी दूर कर देगी। आनन फानन हम अखबार के दफ्तर पहुंचे, पता चला कि वो घर जा चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट से बड़ी मिन्नत की, शुक्ला अंकल की उम्र और अपने लंबे सफर की दुहाई दी, और आखिरकार दो अनाड़ी लेकिन जिद्दी जासूसों की तरह हमने नम्रता का पता मालूम कर लिया। न रिक्शे वाले से मोलभाव किया, न पान वाले से रास्ता पूछा, न एक दूसरे से बात की। पौन घंटे बाद हम नम्रता के दरवाजे पे खड़े थे। मैंने देखा कि शुक्ला अंकल के हाथ कांप रहे थे। मैंने घंटी बजाई, नम्रता ने दरवाजा खोला, कुछ देर बिना कुछ कहे देखती रही, फिर पलट के अंदर चली गई। 15 मिनट हम सोफे पे बैठे रहे मेहमानों की तरह। सादा लेकिन खूबसूरत था उसका घर। सामने एक मेज पे अच्छे दिनों की नम्रता और उसके मम्मी पापा की एक फ्रेम्ड तस्वीर। अगर मैं पागल नहीं होता तो ऐसा ही हमारा घर होता। नम्रता कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखें रोई हुई थी। बोली, अगर आप दोनों मुझे वापस लेने आए हैं तो वापस चले जाइए। पापा, आपने मुझे दिमाग से नहीं दिल से सोचना सिखाया, हिम्मत दी, पर जब मैं उस हिम्मत की डोर आगे बढ़ के थामने चली तो आपने मुझे पीछे रोक लिया। और तुम, वो मेरी आंखों में देख के बोली, तुमने मुझे ढेर सारे सपने दिए, और फिर एक दिन अचानक बिना कुछ कहे याद शहर छोड़ के चले गए। आप दोनों ने जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन मैं खुद से समझौता नहीं कर सकती थी। अच्छा हुआ वक्त रहते जाग गई। उसी समय अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, मम्मी चलो मैं रेडी हूं। चार जिंदगियां एक कमरे में खड़ी थी और रिश्ते रस्ते धुंधले से दिख रहे थे। कौन थी वो लड़की जो नम्रता को मां कह रही थी? कौन है ये बच्ची, यही सोच रहे होंगे ना आप दोनों? चौंकिए मत और अंदाजे मत लगाइए, ये मेरी बेटी है शुभ्रा। इसके माँ बाप ने इसे शादी के पहले जन्म दिया और फिर किसी अनाथ आश्रम के सामने छोड़ दिया। इसे एक माँ की जरूरत थी और मुझे जिंदगी की। इसने मुझे हिम्मत दी है, फिर से जीना सिखाया है। मैं और शुक्ला अंकल एक दूसरे को देखने लगे।
समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। शुक्ला अंकल की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी मैं आज तक ये सोचता रहा कि तुमने मेरे साथ कितना अन्याय किया, पर असल में अन्याय तो मैंने किया है। तुम्हें वो हिम्मत ना दे सका कि तुम मुझे वक्त रहते बता पाती कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो। और जब तुमने अपना रास्ता चुन लिया था, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तब मैं वहां नहीं था। एक जिद के कारण मैंने अपनी बच्ची की ओर पलट के तक नहीं देखा। फिर मेज पे रखी फैमिली फोटो देख के शुक्ला अंकल बोले, लेकिन तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। जिद्दी तुम भी हो, लेकिन जिद को प्यार के आड़े नहीं आने दिया। मुझे माफ कर देना बेटी, और अपनी जिद्दी बच्ची से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी भी एक जिद मान ले। इस बेवकूफ लड़के से शादी कर ले बेटा, तेरी तरह इसे भी बचपन से खिलाया है मैंने। ये गधा है जो इसने कभी तुझको अपने दिल की बात नहीं बताई, पर अगर ये ना होता तो आज हम और तुम सामने नहीं खड़े होते। मैंने कहा, नम्रता मुझे माफ कर दो, मन के साथ फेरे तो हम ले चुके हैं, अब अग्नि के साथ फेरे भी मेरे साथ पूरे कर लो। हम कुछ देर नम्रता की खामोशी पढ़ते रहे, फिर वो बेटी से बोली, शुभ्रा ये है तुम्हारे नाना जी और ये तुम्हारे स्टूपिड पापा। बस इतनी सी थी आज की कहानी।